इसका पार्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, लेकिन समाज की कुरीतियां और मीडिया को कहा जाता है चौथा स्तंभ जो समाज सुधारक होता है, और ऐसे में समाज को सुधारने के बजाय एक रिक्शा वाला गरीब आदमी आर्टिस्ट बनकर के बड़ा काम करना चाहता है। वो चाहता है कि कोई मोबाइल यदि हमको कहीं से मिलेगा तो हम उससे परफॉर्म करेंगे, और उसके बजाय में उसको जो है मीडिया ट्रायल से लोग और उसको खोद खोद करके उसके अंदर में कुरीतियां निकाल निकाल के उनको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? यही तो मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई, उनमें क्या क्वालिटी है, उसमें जो इतना टैलेंट है, 100 कलाकार का मिमिक्री कर लेता है। ये सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए। मैंने भी यही देखा, मैंने ये नहीं देखा उसका बेटा करोड़पति है या उसका बाप करोड़पति था, मैंने ये कभी नहीं देखा। मैंने देखा उसके अंदर में टैलेंट क्या है और कर क्या रहा है। मैंने सिर्फ यही दो चीज़ को देखा। आप उसके अंदर में टैलेंट है मिमिक्री आर्टिस्ट का, तो मिमिक्री आर्टिस्ट उसको होना चाहिए था, लेकिन वो कर क्या रहा था? 20 सालों से पटना में ये रिक्शा चला रहा था। अब बताइए, आप ही देखिएगा, आप भी इंसान हैं, देखिएगा कोई आदमी इतना अच्छा टैलेंट है जो रिक्शा चलाता है टैलेंट होने के बावजूद, आप क्या करिएगा उसको? देखिएगा उसको अच्छा प्लेटफॉर्म दे दे। क्या एविडेंस है पंकज की रिक्शा वाले को कहा गया कि इसके पास ये है, उसके पास वो है, घर है, उसकी सिस्टर अच्छी है, तमाम तरह की बातों को लेकर के उसको जो है एकदम मतलब कि भ्रामक स्थिति पैदा कर दी गई। अब वो शर्मसार हो गया है, अब वो रिक्शा चलाने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है, और अब कोई काम नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा है। जैसा कि आपने आया वैसे मैंने भी यहाँ पर देखा कि वो आ नहीं रहा है 5 दिन से, मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने उसका इंटरव्यू देखा। यही वो जगह है ना कि जो यही वो जगह है जहाँ पर वो रिक्शा चलाता था, जहाँ पर रिक्शा चलाता था, आर ब्लॉक से इनकम टैक्स हो रहा है, यही दोनों जगह पर वो रखता था ना, आर ब्लॉक पर है ना इनकम टैक्स हो रहा पर है। ये कितना गलत आप लोगों ने काम किया है। बेचारा दो वक्त की रोटी खाता था यहाँ से रिक्शा चला करके, आपने क्या किया उसको? एक मीडिया पहले हम लोगों ने सपोर्ट करने की कोशिश की, आप लोगों ने उसको उल्टा फेम चला दिया। अब वो इतना शर्मसार हो चुका है कि यहाँ पर रिक्शा नहीं चलाता है। बताइए कितना गलत काम किया गया कि नहीं किया गया है? अब एक आदमी में इतनी टैलेंट है और किसी ने उसको सपोर्ट करने की कोशिश की, किसी ने उसको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की, और बहुत सारे लोग आगे भी आए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोगों ने आगे आए। तो ये मानना है पंकज की, यदि उसके अंदर में टैलेंट है तो वो कितना गरीब है और क्या वो उगाही कर रहा है, क्या वो प्रलोभन में है पैसों का, हमको तो वो नहीं देखना ना। उसके अंदर टैलेंट है हमारा, हम एक मीडिया वर्क कर रहे हैं, एज अ यूट्यूब चला रहे हैं या फिर बड़े नेशनल मीडिया है, कुछ भी है, तो हमारा काम है जो कोई टैलेंटेड लोग जो हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो, कोई भी हो, चाहे वो ठेला वाला हो या कोई भूजा वाला हो, कोई भी हो, उसके टैलेंट को तो हम उभारें ताकि वो एक मंच मिल जाए उसको। क्या वाले का नाम चर्चाओं में रहा है, इसलिए रहा है कि दीपक रिक्शा वाला मिमिक्री करता है, दीपक रिक्शा वाला आर्टिस्ट है, और दीपक रिक्शा वाला लोगों को रिक्शा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता है। अब बात करते हैं कि दीपक रिक्शा वाले के अंदर में टैलेंट है कि वो मिमिक्री और आर्टिस्ट करके जो है वो कई सारे एक्टर का जो है आर्टिस्ट के नाम पर जो है वो आर्ट करता है, और ऐसे में बात आती है कि जो चाहता है कि हम भी थोड़ा अच्छा काम करें, अच्छा आर्टिस्ट होकर के कुछ लोग मेरे को जाने, लेकिन बात आती है कि जब जानने की बात होती है तो जो मीडिया ट्रायल के लोग जब यहाँ उनको बात करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं बातें बिगड़ने लग जाती है। अब कोई गरीब आदमी रिक्शा चलाता है, लेकिन उसके बाद मीडिया ट्रायल होने के बाद उसको सुधार करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हें शर्मसार कर दी जाती है, ऐसा क्यों? इन तमाम सवालों से जुड़े हुए हम बात करेंगे, हमारे साथ पंकज झा हैं जो कि हमारे साथ ही रहते हैं, और इनसे ही जानेंगे कि आखिर ये माजरा जो हुआ दीपक रिक्शा वाले के साथ वो कितना सही है और कितना सही नहीं है। देखिए पंकज, रिक्शा वाला को आप बड़ी बखूबी समझ रहे हैं, रिपोर्ट किए हैं, लेकिन देखा जाए तो पंकज ये हम जानना चाहते हैं कि रिक्शा वाले ने जो आर्टिस्ट के द्वारा और जो आर्ट किया, जो मिमिक्री की, उसको तो आगे बढ़ाना चाहिए, लोग नीचे क्यों दिखा रहे हैं? अब ये तो मानसिकता है भाई यहाँ के लोगों की, एक तरह एक आदमी आगे बढ़ता है तो दूसरा उसका पैर खींच लेता है। यहाँ पर आप देखिए जो भी लोग वायरल होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, दो टाइप में न्यूज चलता है, एक पॉजिटिव न्यूज और एक उसका अपोजिट नेगेटिव न्यूज, जिसको आप कहते हैं नेगेटिव न्यूज चलता है। यहाँ पर देखिए जब रिक्शा वाला वायरल हो रहा था, वायरल होने से ठीक पहले मैं उसका रिपोर्टिंग किया था और मैं उसका 30 मिनट का इंटरव्यू लिया था, कंपनी 30 मिनट का इंटरव्यू, मैं उसको पार्ट पार्ट में उसको अपलोड किया था, और मैं उसको यही चाह रहा था कि ये रिक्शा वाले में इतनी टैलेंट है, इसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको कैसे, इसको मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दे। मैंने उससे वादा भी किया था कि आने वाले समय में, और उसे उन्होंने जैसे बताया कि मेरे पास इतना औकात नहीं है, मेरे पास सेलफोन है, मैंने कहा मैंने तो अभी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी अभी नहीं है कैपेसिटी, मैं तुमको आने वाला समय में जरूर मोबाइल दे दूंगा। मेरे पास उतना लगा कि नहीं भाई ये व्यक्ति को मोबाइल ज़्यादा ज़रूरत है और इसको मोबाइल देना चाहिए, चाहे जो भी दे दे। तो मैंने उसे कहा, जैसा कि वो इंटरव्यू में बताया कि आपने ये सब जो भी कुछ था,
उसके बाद मैंने उससे प्रॉमिस किया, ये हुआ ऐसा हुआ, मनीष कश्यप जी आते हैं, मनीष कश्यप उन्हें मोबाइल देते हैं, सब कुछ होता है, दीपक रिक्शा वाला फेमस होते हैं और उन्होंने अपनी पारिवारिक स्थिति बताती है। सही बात, एकदम सही बात आप कह रहे हैं, कोई भी उसका टैलेंट की उभारने की कोशिश करते हैं। इवन कि मैं बहुत सारा देखता हूँ, जब नौजवान जब पंक्चर साटते हैं, बिहार में कई ऐसे आपको दिख जाएंगे जो 20 साल 25 साल 22 साल के नौजवान पंक्चर साटते आपको मिल जाएंगे, उससे मैं काफी बात करता हूँ। बात इसलिए करता हूँ कि भाई तुम नौजवान हो, तुम बिहार के बदल सकते हो, भविष्य बदल सकते हो, अपना भविष्य बदल सकते हो, तुम पंक्चर साटते हो, तुम्हारे में क्या टैलेंट है। कई बार मैंने बात किया, तुम कुछ और अच्छा काम कर सकते हो, इसको छोड़ो, ये वो काम कर सकते हैं जो आदमी वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन दीपक रिक्शा वाले मैंने यही देखा कि उसमें वो टैलेंट है, वो टैलेंट आगे आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए और लोग सपोर्ट किए उसमें, वो टैलेंट देख करके जब हम लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया तो लोग सपोर्ट किए। आप देखिएगा तो सारे पूरे लोग चर्चा करने लगे। देखिए जरा हम एक बार बैकग्राउंड जानना चाहेंगे खेसारी लाल का, खेसारी यादव। जरूर जरूर, आप जानते होंगे जिस तरह से वो सुनते थे लिट्टी बनाता था, बड़ा टेस्टी लिट्टी बनाता था, बिहार का लिट्टी चोखा। अब वो उसके अंदर में टैलेंट था गाना गाने का, भोजपुरी का एकदम अच्छा सिंगर बना और एक्टिंग भी कर रहा है, आज मैं जाने बहुत बड़े लेवल पे चला गया। तो यदि वो बंदा जा सकता है तो क्या रिक्शा वाला एक्टिंग करके या मिमिक्री करके मुंबई के बॉलीवुड में बड़ा नहीं कर सकता है क्या? क्यों नहीं, एक एक डायलॉग है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। तो जो हकदार था दीपक रिक्शा वाला, हकदार था ओरिजिनली मैं कह रहा हूँ, दीपक रिक्शा वाला हकदार था बड़ा बनने का, लेकिन उसका हक छीन लिया गया। छीन इसलिए लिया गया कि उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वो गरीब था, इसके लिए उसके लिए छीन लिया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ दीपक रिक्शा वाले को अभी भी सपोर्ट की जरूरत है, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा प्लेटफॉर्म का हकदार है। अब चाहे उसमें चाहे जो भी बुराइयां हैं, वो एक बात जब अगर झूठ भी बोला है या वो शादी किया है नहीं किया है, वो बात झूठ ही बोला है तो ठीक है, उसको हमको नजरअंदाज करना चाहिए, टैलेंट को नहीं मारना चाहिए। वो टैलेंट जो है उसको टैलेंट के बाहर निकालना चाहिए और उसको उस जगह पर भेजना चाहिए जहां बहुत सारे लोग कलाकार झूठ बोलते हैं। आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े कलाकार झूठ बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए दीपक रिक्शा वाला हकदार है और उसका हक मिलना चाहिए, क्योंकि कोई रिक्शा चला रहा है वो अपना व्यक्तिगत काम से चला रहा है, लेकिन यदि उसके अंदर में टैलेंट है और यदि वो कई सारे एक्टर का यदि वो मिमिक्री कर लेता है, अच्छा वो गाना गा लेता है, अच्छा यदि डायलॉग बोल लेता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है उसको आगे बढ़ने से। और यदि बात करें बिहार के अंदर में यदि कोई ऐसा भुजा वाला, रिक्शा वाला, कुलचा वाला या कोई भी होता है, तो आपको मंच देने से अब रोक नहीं सकते हैं। यदि डांस इंडिया डांस की बात करें, सारे गामा सिंगिंग की बात करें, कोई जाने से रोक नहीं सकता है। ऐसे में इन लोगों को बढ़ावा देना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को मैं निष्पक्ष तरीके से रखना चाहता हूँ कि कोई टैलेंटेड यदि रिक्शा वाला हो या कोई भी गरीब आदमी हो, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि राजा का बेटा जरूरी नहीं है कि वो रंग बनेगा, वो भी राजा बन सकता है और जो गरीब आदमी है वो भी राजा बन सकता है। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।